अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुल्तान अपडेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आशिफ पठान। नाज़रीन, आज हम इस वक्त मौजूद हैं मुल्तान के सूबाई हलके पीपल 217 में, जहां पर 17 जुलाई को ज़िमनी इलेक्शन होने हैं। नून लीग के उम्मीदवार सुलमान नईम जबकि पीटीआई के उम्मीदवार जैन कुरैशी के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। तो आइए जानते हैं कि इस पीपी के लोग किस उम्मीदवार के साथ हैं और किसको वोट देकर जितवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इन दोनों में से किसको वोट देंगे, सलमान नईम को या जैन कुरैशी को? नईम को। क्या वजह? वजह ये पहले अस आगे धोखे तो भी तब्दीली नवा पाकिस्तान वो 3.5 साल वेख्या ना कोई तब्दीली ना कोई नवा पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। ये इस बार इन दोनों में से किसको देंगे वोट आप? हम इस दफ़ा सलेमान नईम को देंगे क्योंकि ये अच्छा बंदा है, मेरी पूरी गली में आके राशन देते हैं, अस्पताल इस बंदे ने बनाया है गरीबों के लिए। और ये जैन को क्यों? जैन कुरैशी को इसलिए नहीं देंगे, एक तो ये हमारे हलके का नहीं है, ठीक है, और ये कभी इसके दफ्तर अगर कोई काम के लिए चले जाए तो ये कभी सुनते ही नहीं इसके बंदे, तो फिर हम इसको वोट दे के अपना वोट ज़ाया करें। अस्सलाम वालेकुम। इनमें से किसको वोट देंगे? हम सलमान नईम को वोट देंगे। क्या वजह? वो हमारे लिए बहुत अच्छे काम कर रहा है, हमारी सड़कें बनवाई हैं उन्हें। अच्छा, 5 साल से सड़कें टूट फूट शिकार थी, अब ये सलमान नईम ने तकरीबन ये बनवाई है सारी, आल टू आल काम कराया, पाइप लाइन डलवाई है। आप किसको देंगे वोट इन दोनों में से? सलमान नईम को। क्या वजह? इसको क्यों नहीं देंगे? इसकी तो हम शक्ल भी नहीं देखना चाहते जी। अच्छा, हाँ, इसने तो हमारे साथ वो काम किया 5 साल में, यकीन करें यहाँ बीमारियों का ढेर लगा दिया इसने, यहाँ पे वो गंदगी फैलाई है, लोग आने यहाँ के पना मांगने लगे, आज के बाद हमने इसकी शक्ल भी नहीं देखनी। इसको दे रहे हैं वोट इस बार पीटीआई को इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इनमें से किसको वोट देंगे? सलमान नईम को। सलमान नईम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। इन दोनों में से किसको वोट दे रहे हैं? हम सलमान भाई को वोट देंगे। क्या वजह? ये बहुत अच्छे इंसान है, बहुत इलाके में काम करा इन्होंने, ठीक है, यहाँ पे आते जाते हैं चक्कर लगाते हैं यहाँ पे, इनको देखा नहीं कभी, ये पता गाँव से आए यार पता नहीं, ये शाह महमूद के बेटे हैं, 5 साल हो गए मैंने देखा है शाह महमूद, उसके बाद देखा नहीं मैंने तो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। इन दोनों में से किसको दे रहे हैं वोट इस बार? इस बार अभी तक तो कोई डिसाइड वैसे नहीं किया, वैसे पूरी उम्मीद है कि सलमान नईम को जो ना वोट। आप किसको वोट दे रही हैं? मैं जो ना सलमान नईम को। इन दोनों में से किसको दे रहे हैं वोट? सलमान को ही। क्या वजह? सलमान को वोट देने का मकसद क्या है? सारा ही होता मस्जिद ही मकसद है इसका। क्या काम करवाया? बड़े काम करवाऊंगा ये। अच्छा। बड़े बड़े ने काम किए थे यार। और ये शाह महमूद का बेटा वो पर दफा कर रहे हैं इनको। अस्सलाम वालेकुम। ये इन दोनों में से किसको देंगे वोट इस बार? इन दोनों में से जिसको देना आप गया। क्या वजह? सलमान नईम को क्यों वोट देंगे, शाह महमूद के बेटे को क्यों नहीं देंगे? बस इसकी कारकर्दगी अच्छी लगती है। इन दोनों में से किसको देंगे वोट आप? सलमान नईम को। क्या वजह? सलमान नईम को वोट देने की क्या मकसद है? अच्छा बंदा जी। और वालेकुम। इन दोनों में से आप किसको वोट दे रहे हैं? क्या वजह है? कौन नहीं है? मैंने अस्पताल खोलिया पाई था, सेव कार्ड बनाया। अच्छा, और बाकी काम भी आ रहा है, काम भी। शाह महमूद के बेटे को क्यों वोट दे रहे? वो तो कभी इधर आया ही नहीं है, वोटों के लिए आएंगे, इसके बाद उनका नाता फिर खत्म हो जाएगा। ये सलमान नईम तो यहाँ आता ही रहता है, हमारे साथ इनका रहता है। सही। वालेकुम अस्सलाम। इन दोनों में से किसको देंगे वोट? भाई है हमारा, भाई है, हमदर्द हमारा, गरीबों का साथी है, हमारे पास आता है, कोरोना में भी आया, बाद में भी आया, हर हमारे हर दुख सुख में आता है। इसकी तो हमने शक्ल ही नहीं देखी, यही देख रहे हैं, तस्वीर ही देख रहे हैं, इसकी शक्ल तो देखी नहीं आज तक, कभी इसको हल्के में नहीं देखा, हल्के में देखा ही नहीं कभी इसको, कभी हकीकत है, ईमान से कह रहा हूँ मैं कि कभी नहीं देखा। ये तो हमारा भाई कल भी आया परसों, ये हमारे पास आता जाता है।